अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नोन फैक्ट्स इंडस्ट्री। आज की इस वीडियो में हम आपको कायनात के राज के बारे में बताएंगे कि कायनात का निज़ाम कब शुरू हुआ और ये कब वजूद में आई। पुराने ज़माने के इंसान का ख्याल था कि कायनात हमेशा से है और हमेशा रहेगी। आहिस्ता आहिस्ता कायनात के बारे में ख्यालात बदलते गए। एक ख्याल के मुताबिक कायनात आज से तकरीबन 15 अरब साल पहले एक धमाके के नतीजे में वजूद में आई, जबकि दूसरे ख्याल के मुताबिक कायनात का ना तो कोई आगाज़ था और ना ही कोई अख्ताम होगा। एक और नज़रिए के मुताबिक कायनात दो मुख्तलिफ हालतों से बार बार गुज़रती है, यानी कभी ये सिकुड़ना शुरू हो जाती है और कभी ये फैलना शुरू हो जाती है। बाय द वे, ये अमल कई अरब साल गुजरने के बाद मुकम्मल होता है। इस नज़रिए के मुताबिक हम कायनात के फैलाव के दौर में रह रहे हैं। फैलाव का ये दौर तकरीबन 30 अरब साल तक जारी रहेगा। न्यूटन का कहना था कि कायनात एक साइंटिफिक मेथड के तहत ऑटोमेटिक चल रही है। उसके बाद ह्यूम आया। ह्यूम ने आकर खुदा का इनकार किया और कहा, जब दो और दो मिलकर चार हो रहे हैं और हम देख भी रहे हैं, तो फिर हम किसी खुदा को क्यों माने कि वो ये कायनात चला रहा है। इसके बाद डार्विन आया। उसने आकर बोला कि एक पानी का कतरा खुद ब खुद कहीं से पैदा हो गया और फिर ये फैलता गया, इतना फैलता गया कि कायनात में मौजूद हर चीज़ खुद ब खुद बनती गई। इस्लाम ने भी इसका एक तसव्वुर दिया। अल्लाह ताला ने बड़े खूबसूरत अंदाज से हमसे सवालात पूछे, क्या तुम खुद ब खुद पैदा हो गए हो? फिर अल्लाह ताला फरमाता है, क्या अपने खालिक तुम खुद हो? तीसरी जगह अल्लाह ताला फरमाता है, ये ज़मीन और आसमां क्या तुमने बनाया है? अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि ज़मीन और आसमां एक मिला हुआ मादा था, हमने इसको फाड़ा और फैला दिया। अल्लाह ताला हर चीज़ का पैदा करने वाला है और वही है जो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, वही है जिसने आसमानों और ज़मीनों को 6 दिन में पैदा किया और अर्श पर जलवा अफरोज़ हुआ। वो खूब जानता है इस चीज़ को जो ज़मीन में जाए और उस चीज़ को जो ज़मीन से निकले, वो चीज़ जो आसमान पर जाए और वो चीज़ जो आसमान से उतरे। अल्लाह ताला के सिवा इस कायनात में कुछ भी ना था और फिर अल्लाह ताला ने अपना अर्श पानी पर बनाया और फिर 6 दिनों में आसमान और ज़मीन बना डाले। कायनात के आगाज़ के बारे में सबसे मशहूर नज़रिया बिग बैंग का है। इस नज़रिए के मुताबिक आज से 15 अरब साल पहले एक कायनाती धमाका हुआ जिसका सबब मादे की इंतहाई मामूली मकदार थी। इस मामूली मकदार के अचानक फट पड़ने से तेज़ी से फैलती हुई कायनात वजूद में आई। इस कायनात की वजह से अभी तक मुसलसल फैल रही है। इस धमाके की वजह से कायनात अभी तक मुसलसल फैलती जा रही है। इस धमाके के बाद कायनात के अंदर तमाम कहकशाएं, सितारे, सैारे, निज़ाम शमसी, मादा, तवानाई, रोशनी और वक्त पैदा हुए। इब्तदा में कायनात बहुत गर्म थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये गर्मी कम होना शुरू हो गई। एक बात याद रखिए कि कोई भी नहीं जानता कि बिग बैंग क्यों हुआ था और ना ही इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कायनात कितनी बड़ी है, इसमें क्या कुछ है, कितने सियारे हैं, कितने सितारे हैं और सबसे बढ़कर ये हमारी ज़मीन के अलावा और कौन सी जगह है जहां पर ज़िंदगी हो सकती है। मज़ीद अच्छी अच्छी और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।